पंचरवाड़ा से पिकेटी एक की मादा शावक को 2 साल पहले पेंच के 5.11 हेक्टेयर क्षेत्र में लाया गया था। उसे शुक्रवार शाम को 6:44 को पेंच में छोड़ा गया। इस मादा को प्रकृति से मुक्त होने के पहले ही पूरी तरह से सक्षम होने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की मानक पद्धति के अनुसार प्रशिक्षित किया गया है। 22 दिसंबर 2018 को अप्रशिक्षित मादा शावक को पेंच के तीतर मलंगी में एक कैद आश्रय में लाया गया था। इसकी निगरानी वन्य जीव नागपुर के प्रधान मुख्य संरक्षक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जा रही थी। समिति की सिफारिश के बाद इसे वनों की कटाई का प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजा गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तकनीकी समिति ने पेंच में वनों की कटाई को मंजूरी देने के बाद उसे भारतीय वन्य जीव संस्थान के विशेषज्ञों की मदद से रेडियो कॉल किया गया। इस वयस्क बाघ को PTRF-84 नाम दिया गया। बाघ की रिहाई की उम्र लगभग 3 साल 2 महीने है और इसकी निगरानी जमीन से और सैटेलाइट सिग्नल के जरिए की जाएगी। वन विभाग ने उसे पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित करने की यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकृति से मुक्त होने के बाद यह बाघ कैसे बाहरी जंगल में प्रवेश करता है। उसके प्रशिक्षण प्रयोग से उपलब्ध विस्तृत जानकारी निश्चित रूप से भविष्य में बाघ प्रबंधन में उपयोगी होगी।